भूषण ज्वेलर्स। दाडला घाट में पिछले 21 दिन से अंबुजा सीमेंट प्लांट में माल भाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटर और अडानी समूह के बीच चल रहा गतिरोध सुलझ नहीं पाया है। प्लांट बंद करने को लेकर बुधवार को ट्रक ऑपरेटर्स ने अडानी ग्रुप के खिलाफ दाडला घाट में अपना रोष प्रकट किया और ऐलान किया कि 8 जनवरी तक यदि कोई सकारात्मक फैसला नहीं होता है तो सभी ट्रांसपोर्टर्स सोसाइटी के सदस्य चक्का जाम करने से गुरेज नहीं करेंगे। सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर्स ने अंबुजा सीमेंट प्लांट दाडला घाट के मुख्य द्वार से बस स्टैंड तक रैली निकाल कर अडानी समूह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गो बैक अडानी, अडानी सदानी नहीं चलेंगे जैसे नारे लगाए। मौके पर आक्रोशित ट्रक ऑपरेटर्स ने अडानी का पुतला बस स्टैंड में जलाया। दाडला घाट की विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अडानी समूह की मनमानी नहीं सहन की जाएगी। पूर्व प्रधान रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि बुधवार को अडानी का पुतला जलाया गया वो ट्रांसपोर्टरों के गुस्से का सैलाब था। उन्होंने कहा कि अडानी समूह अपने अनुसार चलाना चाहता है, ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार को शिमला में आयोजित बैठक में कोई हल नहीं निकला, लेकिन माल ढुलाई को लेकर जो रेट निर्धारित हैं वो आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अब कमेटी की अगली बैठक 7 जनवरी को होगी। हमें उम्मीद है कि उस दिन ट्रक ट्रांसपोर्टर के पक्ष में कोई फैसला आएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर निश्चित रूप से चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि अडानी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने ऑपरेटर्स की मांगों पर गौर नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। ADKM सभा के पूर्व प्रधान बालकराम शर्मा ने कहा ये विवाद अडानी द्वारा किया गया है, जबकि हम तो आज तक बिना किसी विवाद के कार्य कर रहे थे और हमारी कंपनी से कोई लड़ाई नहीं थी, परंतु कंपनी ने आनन फानन में कह दिया कि 6 रुपए पहाड़ी क्षेत्र और 3 रुपए मैदानी इलाकों का प्रति किलोमीटर पर कार्य करना है तो करें, लेकिन हम कंपनी बंद कर रहे हैं, जबकि हम 10 रुपए 98 पैसे पर काम कर रहे हैं और हमने कोरोना काल में अपने रेट तक नहीं बढ़ाए कि कंपनी को भी घाटा हुआ हो, इसलिए हम लोग पुराने रेट पर ही कार्य करते रहे। उन्होंने अडानी समूह को दो टूक में कहा कि माल ढुलाई के रेट पर एक बार विचार करें। ये मसला सुलझाने हेतु हम दिल्ली दरबार का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अंबुजा चौक में विभिन्न वक्ताओं ने ट्रक ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए सरकार से मांग रखी कि जल्द से जल्द समस्या का हल निकाला जाए। साथ ही ट्रक ऑपरेटरों ने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे को लेकर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो ट्रक ऑपरेटर उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।